वेलकम बैक माय चैनल। होटल से चेकआउट कर लिया है, अब यहाँ से उदयपुर के लिए निकल चुके हैं और उदयपुर पहुँचने के बाद उदयपुर पूरा एक्सप्लोर करेंगे। जोधपुर तो पहले भी आया हुआ था, एक्सप्लोर करा था अभी जल्दी में ही, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वीडियो मैंने बनाया नहीं है। अब यहाँ से अभी पहले तो कहीं देखेंगे बाहर, कहीं कोई चाय वाला मिल जाए बढ़िया, वहाँ चाय वगैरह पी के कुछ ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ से सीधा उदयपुर निकलेंगे, जो कि यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर है। यहाँ से तो वो 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है और अभी बज रहा है 7:30 और लगभग 1-2 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। पहले तो सर्च करते हैं, यहाँ पे कोई चाय वाले अंकल देखे थे मैंने रात को, देखता हूँ यहाँ पे है कि नहीं है। खुली तो लग रही है शॉप, ये नहीं पता है कि चाय मिल रही नहीं मिल रही, अभी जाके देख के। नहीं, अभी तो लग रहा है खुली रही हो, तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं कहीं और। ठीक है, मिलते हैं आपसे अब आगे, बने रहिए अब हमारे साथ। ये है चाय की दुकान आरटी टी स्टॉल चाय, काफ़ी दूर। ये काफ़ी अच्छी चाय है, इनकी सुबह सुबह आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है। ये भी इनकी चाय और केवल 10 रुपये की है, काफ़ी बढ़िया चाय है इनकी। जोधपुर आया तो जरूर ट्राई करें इनके यहाँ की चाय। सुबह सुबह इतनी भीड़ लगी हुई देख रहे हैं, सारी चाय के लिए केवल। हम लोग आ गए हैं शिव टेम्पल, यहाँ पे नाथ द्वार नाम है जगह का, यहाँ पे ये मंदिर है। अभी हम पहुँचे हैं नाथ द्वार, जो कि उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर पहले पड़ जाता है, और यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है, और जो कि बहुत ही बड़ी यहाँ पे मूर्ति एक लगी हुई है शिव जी की, और इसमें ऊपर भी जा सकते हैं, जिसका टिकट है लगभग 400 रुपये, एंट्री फीस 200 रुपये है, जिसमें आप बाहर से घूम के आ सकते हैं। और अगर ऊपर तक जाना है, क्योंकि लिफ्ट से जाते हैं, तो वहाँ के लिए आपको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे, और अगर और ऊपर जाके अगर जल अभिषेक कर दें तो 1500 रुपये चार्ज लेते हैं यहाँ पे उसका। ये इस तरह से काफ़ी बड़ा टेम्पल है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, और एक तो बारिश बहुत तेज़ हो रहा है यहाँ। ये इस तरह से यहाँ पर पूरा एक ये रेडिसन होटल जो है यहाँ पर, वो भी एकदम यूनिक है। ये यहाँ का व्यू है, पहुँच गए हैं भाई उदयपुर और सीधा पहुँचे हैं ये जो लेक है यहाँ पे, जहाँ पे इसके अंदर ताज होटल है, ताज लेक पैलेस और सिटी पैलेस, और ये जग मंदिर भी है यहाँ पे एक, जो कि लेक के अंदर ही है। दिखाते हैं आपको यहाँ पे, ये रहा भाई क्या मस्त है, बोटिंग वगैरह भी होती है। वो सामने की सही है, ये ताज लेक पैलेस है, और ये शायद इधर रुद्र विलास है, और ये जग मंदिर है यहाँ पे, सिटी पैलेस है। ये यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्रंट बना हुआ है इस तरह से, बहुत ही अच्छी जगह है, एक बार तो आना यहाँ पे बनता है। चारों तरफ पहाड़ है, बीच में लेक है, बोटिंग वगैरह भी होती है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ का क्लाइमेट अच्छा रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है जुलाई में भी, बाकी अगस्त में तो यहाँ पे सीज़न स्टार्ट होने लगता है, पूरा भीड़ बहुत होने लगती है, और बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी जगह है, मज़ा आ जाता है एकदम घूम के। राजस्थान में अगर कहीं वो भी अगर बहुत ज़्यादा पीसफुल अगर जगह चाहिए तो वो उदयपुर है, एकदम शांति है और बहुत बढ़िया है। लो वहाँ आ जाओ, मेरी बात सुनो। जो सबसे अच्छी जगह है
जो कि मुझे पर्सनली पसंद है, उसमें उदयपुर उस टॉप 5 में ही है जो इंडिया में मुझे सबसे अच्छी जगह लगती हैं। उदयपुर भी अच्छा लगता है और बाकी जैसलमेर तो है ही अच्छा, लेकिन उदयपुर एक अलग ही है, बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ पे। और इतनी सारी लेक हैं, इतने अच्छे अच्छे होटल हैं यहाँ पे, इस वजह से ठीक है। यहाँ से अब दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं और दिखाते हैं आपको। अब पहुँच गए फतेह सागर लेक, ये देखिए कितना अच्छा है, यहाँ से इसका व्यू है भाई। उदयपुर है मस्त जगह घूमने के लिए, यहाँ कम से कम 2 या 3 दिन रुकना हो जब भी सारी जगह घूम सकते हो, इतनी सारी जगह घूमने के लिए, इतनी जगह है घूमने के लिए, खासतौर से अच्छे अच्छे होटल। और इसके साइड में इधर काफ़ी सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं इधर। और इधर बोटिंग भी होती है, स्लो वाली भी होती है, हाई स्पीड बोटिंग भी होती है। देखिए इधर, ये देखिए बोटिंग, हाई स्पीड बोटिंग भी यहाँ पर होती है। और एक ये महाराणा प्रताप स्मारक समिति है, ये भी एक पैलेस है, इसमें इसका टिकट लगता है घूमने के लिए। एकदम मस्त जगह है, और शाम को तो और भी अच्छा लगता है यहाँ पे। क्या लाइन लगी हुई है आज तो बोटिंग के लिए। मोटर बोट ये इसके प्राइस है, स्पीड बोट 36 रुपीज़ का है स्पीड बोट। क्या बात है यार, ये पहले इसका एंट्री है, यहाँ से जाते हैं। यहाँ कैमल राइड वगैरह भी है। अब की बार तो इसमें पानी भी बहुत है, ये देखो बिल्कुल रोड के किनारे आ चुका है। वैसे इतना पानी लास्ट टाइम जब हम आए थे अगस्त में तब इतना पानी नहीं था, इस बार तो बहुत पानी है इसमें। ये देखिए पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कोई मेले जैसा लगा हुआ हो, बहुत ज़बरदस्त जगह है ये। फतेह सागर लाम है लेक का, और दूसरी वाली जो थी वो पंचकूला राम था उसका। उदयपुर आके तो भाई एकदम दिल खुश हो जाता है, क्योंकि कितना ज़बरदस्त लगता है यहाँ पे। और मुझे सबसे अच्छा लगता है फतेह सागर लेक पे, क्योंकि जो यहाँ पे बोट वगैरह चलती है ना हाई स्पीड, और इस बार तो अलग ही है। एक पानी का लेवल बहुत है, ऑलमोस्ट रोड के लेवल के बराबर है, बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। बोट ये देखो हाई स्पीड बोट आते हुए, पहुंच गए हैं भाई अपने रूम पे, होटल पे, और ना डिनर वगैरह बाहर ही कर लिया था, क्योंकि होटलों में तो मुझे अच्छा लगता नहीं है खाना, बाहर जाके बाहर देख के थोड़ा। और यहाँ पे मैंने आज थोड़ा मिठाई भी टेस्ट की एक जगह, जो कि काफ़ी अच्छी थी मिठाई। और यहाँ प्राइसिंग भी मिठाई दूध चाय के नॉर्मली ठीक हैं और अच्छी भी हैं। ठीक है, फिर एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि कल उदयपुर में देखते हैं कहाँ कहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे दूसरे प्लेस के लिए। तो आज ही बस उदयपुर में रुके हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।